हेलो एवरीवन, आज दे इस वीडियो दे विच आपा टॉपिक करन जा रहे हैं जी बीएड फोर्थ सेमेस्टर दा टॉपिक हैगा जी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन दा हैगा जी यूनिट सेकंड, ते यूनिट सेकंड दा बी पार्ट हैगा जी जिंदे विच आपा करन जा रहे हैं जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लैवल एंड प्रॉब्लम फेस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रोग्राम इन इंडियन स्कूल्स। सो ऑर्गेनाइजेशन केड़ियाँ केड़ियाँ ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस दियाँ, जेकर आप सैकेंडरी लैवल की गल करिए सीनियर सैकेंडरी स्कूल लैवल की गल करिए ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने बारे के आप गल करांगे। तो एक आप गल करनी है कि प्रॉब्लम्स आ रही ने, ठीक है जी, प्रॉब्लम केड़ियाँ फेस कर रही ने ऑर्गेनाइजेशन जे जिहड़ा भी कोई भी जिहड़ा प्रोग्राम है वह करवाना है गाइडेंस से, तो इंडियन स्कूल्स के प्रॉब्लम्स है वह आदि। सो ये वाला जिहड़ा बी पार्ट है जी, बी टॉपिक है ये, तुहानू जिहड़ा मैं शॉर्ट दे लिए करवा रही हाँ, लोंग दे लिए कवर नहीं आपां करांगे, ये शॉर्ट दे लिए आपां कवर करांगे। ए पार्ट आपां लोंग दे लिए कीता, सी भी आपां लोंग दे लिए करांगे, बट बी पार्ट आपां जिहड़ा शॉर्ट दे लिए करांगे। सो वीडियो वधिया लगे लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, कमेंट कर, तो चैनल में जेकर सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर लिओ, तो प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है तो उत्थे तुहानू सारियां वीडियोज़ मिल जाणगियां। टॉपिक हर एक टॉपिक का लिंक मैं थले दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन के, पूरा जो सब्जेक्ट का जो लिंक है वो मैं तुम्हें बाद प्रोवाइड करवाऊंगी जो सारे टॉपिक अपने जो कवर है वो हो जाएंगे। सो फर्स्ट तुहाडी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है जी वो शो हो रहा जी, इन हैगा जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस एंड सीनियर सेकेंडरी लैवल सैकेंडरी लैवल एंड सीनियर सैकेंडरी लैवल। सो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गल करांगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस दियाँ सैकेंडरी लैवल दियाँ केड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशन ने एंड सीनियर सैकेंडरी लैवल दियाँ जिहड़ियां ने ऑर्गेनाइजेशन ने। सो उनके बारे में आप जी गल करांगे, कुछ जिहड़े स्टैप्स दसन जा रही हैं जी मैं तुहानू की स्टैप्स हुंदे ने, ठीक है, कोई भी जिहड़ी गाइडेंस जां काउंसलिंग है वह दित्ती जांदी है। सो उनके की स्टैप्स ने, ठीक है, पहले आप स्टैप्स के बारे में जी गल है वह कर लेंगे, ठीक है, उस तो बाद आप जिहड़ा गल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले की। सो स्टैप्स की ने, फस्ट की है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइडेंस कमेटी। सब तो पहला गाइडेंस कमेटी, गाइडेंस जी कमेटी है जी उनकी जो निर्माण किया जाता, उनकी जी कंस्ट्रक्शन है वह की जाती है। सैकेंड है जी टारगेट ग्रुप, फिर ग्रुप का निर्माण किया जाता कि ग्रुप में जोड़ा टारगेट करना है, टेंथ वाले जी है क्लास में इनफॉर्मेशन देनी है, गाइडेंस देनी है, एट्थ में देनी है, कि क्लास में देनी होता है, जो ग्रुप है उनका निर्माण कर लिया जाता कि बच्चों जी गाइडेंस है वह देनी है, सीनियर सैकेंडरी देनी है या कल सैकेंडरी देनी है, ठीक है जी। थर्ड नंबर है जी अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर। सो उस तो बाद काउंसलर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, उस तरीके का जो काउंसलर है उन्होंने नियुक्त किया जाता है जिस तरह की इनफॉर्मेशन जी उस ग्रुप में देनी है। उस तो बाद फोर नंबर दे जी ट्रेनिंग टू द टीचर्स, टीचर्स भी इन जी ट्रेनिंग है वो दी जाती है, तो जो टीचर भी जो विद्यार्थी जो सही जी गाइडेंस है वह जी है वह दे सके। सो कि अगवाई कमेटी का जो निर्माण किया जाता तो यह तो है नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही परसन है या कला काउंसलर ही है, उन्हें टीचर्स होंगे है, हैडमास्टर होंगे है, प्रिंसीपल होंगे है, है ना, वो सारे ते को जेड़े टीचर मैंबर भी उन्होंने जो टीचर्स भी जो मैंबर है बनाया जाता काउंसलर होंगे। सो इन इस करके जो ट्रेनिंग टू द टीचर्स, टीचर भी जी ट्रेनिंग है दी जाती है। फाइव नंबर पर जी एस्टैबलिशमेंट ऑफ गाइडेंस सेंटर। सो एस्टैबलिशमेंट की जाती है जी गाइडेंस सेंटर की, एक गाइडेंस सेंटर है वह बनाया जाता कि जी बच्चों जी गाइडेंस है वह दी जाएगी। उस तो बाद बजट पैसा अक्सर गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है स्कूल लैवल पर, उनके लिए जो पैसे की जरूरत है तो पवेगी, काउंसलर भी पैसा लवेगा, जो कुछ मटीरियल चाहिए होगा गाइडेंस देने लिए उनके लिए भी जो पैसे की जी जरूरत है वह पवेगी। सो बजट पैसे की भी जी लोड़ है वह पैंती है। सैवन नंबर पर जी रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल। सो मटीरियल जरा जो रिक्वायरमेंट उन्होंने जोड़ा है इकट्ठा है वह किया जाता है। एट नंबर पर जी कंडक्टिंग द प्रोग्राम, उस तो बाद जो प्रोग्राम है वह कि कंडक्ट है वह करवाया जाता है। उस तो बाद नाइन नंबर पर जी फॉलोअप विद्यार्थी चैक करना, उस तो बाद सारा जोड़ा प्रोग्राम करवा के जो विद्यार्थी जो फॉलोअप है वह किया जाता है कि किन्नी कु जी नॉलेज है वह विद्यार्थी तक पहुँच सकी है।
ये पॉइंट आप जो पहला भी जोड़े ये डिस्कस किए हुए ने काफ़ी पहला कमेटी बनूगी ठीक है फिर कि ग्रुप में जी गाइडेंस देनी हों निर्माण फिर काउंसलर संबंधित बुलाया जाता है फिर टीचर्स जो होंगे ने इस कमेटी के उन्होंने भी जी गाइडेंस है वो दी जाती है फिर गाइडेंस सेंटर बनाया जाता फिर जो बजट पैसा है वह लगया जाता है ना सो उन्हें बारे उन्हें जरा वर्क है किया जाता सोचा जाता कि कितना जरा खर्च है वो आ जाएगा किन्ने पैसे लोड है फिर रिक्वायरमेंट मटीरियल वनू जरा इकट्ठा किया जाता फिर प्रोग्राम है वो करवाया जाता है तो प्रोग्राम करवाने तो बाद गाइडेंस देने तो बाद विद्यार्थियों जो फॉलोअप किया जाता उन्होंने जो चैक है वो किया जाता है ये स्टैप होंगे है जी एक जेडे जो भी गाइडेंस है वो दी जाती है स्कूल के सैकेंडरी लैवल से ज सीनियर सैकेंडरी लैवल से ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां काम करदियां ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग देने के लिए किहड़ियां किहड़ियां चीज़ों की जरूरत पैंदी है किहड़े किहड़े जिहड़े स्टैप आ वो हुंदे ने इन दे विच कित्थों कित्थों जिहड़ी गाइडेंस है वो जिहड़ी मिल वो पाउंदी है सैकेंडरी लैवल के ते सीनियर सैकेंडरी लैवल के सो फैकल्टी गाइडेंस जिहड़ी कमेटी हुण बनाई गई हुंदी है स्कूल दे विच फैकल्टी गाइडेंस कमेटी टीचर्स की गाइडेंस कमेटी बनाई जाती है एक फैकल्टी सो वो जिहड़ी है गाइडेंस जिहड़ी प्रोवाइड है बच्चों करवाती है भावें इतने तुम्हें क्वेश्चन आ जाए सीनियर सैकेंडरी भावें सैकेंडरी आ जाए तो तुम ये वाली जड़िया लिख देनियाँ भी कितों कितों जी उन्होंने जी गाइडेंस तो काउंसलिंग है स्टूडेंट्स को मिलती है सो फैकल्टी गाइडेंस कमेटी के द्वारा मिलती है गाइडेंस काउंसलिंग लाइब्रेरी के जरिए उन्होंने जी गाइडेंस है वो मिल पाती है लाइब्रेरियन के जरिए क्योंकि इतने हर तरह की जी इनफॉर्मेशन है वह अवेलेबल होंगी है तो इतों जी नॉलेज है एक स्टूडेंट है वह लै पाता है थर्ड नंबर पर जी हैड मास्टर ऑफ द स्कूल जोड़ा होंगे हैड मास्टर वो भी जी गाइडेंस से जी है काउंसलिंग है वह करता है बच्चों की जितों की विद्यार्थी जी है नॉलेज है वह मिलती है फाइव नंबर फोर नंबर पर जी स्कूल सैकोलॉजिस्ट जो होंगे ने जो स्कूल के सैकोलॉजिस्ट होंगे ने वह भी जी जानकारी है जी है वह भी प्रोवाइड है वह जी करवाते हैं ठीक है जी काउंसलर बुलाए जाते हैं स्कूल के अलग अलग समय से सो ये भी जी जानकारी है वह देंगे टीचर भी जी गाइडेंस है वह जी एक विद्यार्थी देंगे ज सलाह है वह देंगे काउंसलर भी सलाह देगा टीचर भी सलाह देगा अगवाई करेगा हैडमास्टर भी सलाह भी देगा अगवाई भी करेगा लाइब्रेरी भी सलाह भी देती है तो गाइडेंस भी देती है जो गाइडेंस कमेटी होंगी वह भी गाइडेंस भी देगी तो जी है काउंसलिंग भी करती है ठीक है सो कॉरपोरेशन ऑफ द पेरेंट्स सो कोपरेट करना ठीक है कोपरेट ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स के नाल जो स्कूल के जो टीचर्स ने हैडमास्टर कोपरेट करके भी चलते हैं ता जो इन्हों की जेकर गाइडेंस इन्हों होगी इन्हों को नॉलेज होगी तो अपने बच्चे जी सही जी गाइडेंस है वो दे पाएंगे एट नंबर पर जी हैल्थ डिपार्टमेंट स्कूल स्कूल के टाइम टू टाइम जो हैल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने इनवाइट किया जाता है तो जो विद्यार्थी जी सही नॉलेज है वो दे पाउन ठीक है हैल्थ डिपार्टमेंट भी स्कूल आके बच्चों जी सही गाइडेंस है वह देते हैं सो नैक्सट आ गए नाइन नंबर पर कोऑपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन सो होर बहुत सारिया जड़िया ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल दियाँ सो उन्हें वो जड़िया ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के बनाई जा भी जड़िया टाइम टू टाइम जो विद्यार्थी कोऑपरेट कर दें उन्होंने संजोग देंदिया ने उन्होंने गाइडेंस देंदिया ने तो उन्होंने जी सलाह है वह देंदिया सो नैक्सट आ गया जी प्रॉब्लम फेस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडियन स्कूल्स सो प्रॉब्लम समस्यावान केड़िया केड़िया आ रही ने ऑर्गेनाइजेशन दियाँ ठीक है ऑफ द प्रोग्राम इन इंडियन स्कूल इंडियन स्कूल की गल करिए जड़िया ये ऑर्गेनाइजेशन ने जिड़िया गाइडेंस देंदिया ने अगवाई कर दें सलाह देंदिया ने जो प्रोग्राम ने इन्हों के प्रॉब्लम्स है वो आ रही ने ठीक है फर्स्ट है जी लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जी ह्यूमन जे रिसोर्स ने मनुखी जोड़े स्रोत ने रिसोर्स ने उन्होंने जी घाट इंडियन स्कूलों के जी पाई हो जाती गवर्नमेंट स्कूलों की आप गल करिए तो उत्थे ही बहुत सारे जो समान है उही जो अवेलेबल है वह है नहीं गा है ना ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा जी घाट है टू नंबर पर जी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टीज फैसिलिटीज़ है सो इंफ्रास्ट्रक्चर जी फैसिलिटीज़ है उही नहीं हैगी है ना समान ही नहीं है स्कूल के बैठन के लिए ठीक है उस सब के लिए भी जी बहुत ही ज़्यादा जी घाट जी स्कूलों के जी देखने मिलती है
नो डिफाइंड गवर्नमेंट पॉलिसी, सो गवर्नमेंट जिहड़ियां पॉलिसीज है वह भी जिहड़ियां ने बहुत ही घट ने गाइडेंस ते काउंसलिंग नूं लै के, सो वो नहीं बनाईयां जा रही गवर्नमेंट पॉलिसीज जिस दे राही हुई जिहड़ी आ गाइडेंस ते जिहड़ी काउंसलिंग आ वह विद्यार्थियों की जिहड़ी घट आ वह हो पाउंदी है, सरकार दा भी इहदे प्रति ध्यान है वह नहीं हैगा। लैक ऑफ मटीरियल अवेलेबल, सो मटीरियल की भी लोड़ है, आपां प्रोग्राम करने आप गाइडेंस से काउंसलिंग दे तो उनके लिए जो मटीरियल वो भी चाहिए, वो मटीरियल ही जो इंडियन स्कूल्स के वो नहीं है। नैक्सट आ गया जी 5 नंबर पर है जी गाइडेंस वर्कर आर नॉट ट्रेंडड, सो कुछ जेडे आ गाइडेंस जो वर्कर की गल करिए जेडे कि गाइडेंस देंगे अगवाई करते स्टूडेंट्स की वो ट्रेंड नहीं है, उन्होंने जोड़ा एक्सपीरियंस है वह नहीं है, ये भी सब तो वीडी जी प्रॉब्लम है जी साडे इंडियन स्कूल की। 6 नंबर पर है जी टीचर्स आर नॉट इंट्रस्टड इन गाइडेंस, जो टीचर्स की आप गल करिए जिन्होंने उस कमेटियां के मैंबर बना दिता जाता है उन्होंने बिल्कुल भी जोड़ा इंट्रस्ट है वह अगवाई के गाइडेंस के नहीं होंगे, टीचर्स आर नॉट इंट्रस्टड इन गाइडेंस के कोई भी जोड़ा इंट्रस्ट है टीचर्स नहीं होंगे तो वह सही जी है क्योंकि उन्होंने पहला ही जोड़ा काम का जोड़ा बोझ की आप गल की बहुत ज़्यादा होंगे इस करके टीचर इंट्रस्ट ही नहीं लेंगे, ओवरबर्डन जी टीचर से हो जाती है तो इस करके भी जोड़ा इंट्रस्ट है वह नहीं लेंगे। लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की सब तो ज़्यादा जी वी जी कमी आ होंगी है क्योंकि पैसा है तो फिर ही कोई जी प्रोग्राम है स्कूल के करवाया जा सकता तो फाइनेंस की पैसे की सब तो वो जी कमी है। 9 नंबर पर जी इनक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट जी गिनती की जगह आप गल करिए बहुत ही ज़्यादा जी गिनती है वह वध गई, इनक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो स्टूडेंट की जी गिनती है वह दिन प्रतिदिन जी वध रही है, सो इन्दे करके भी जिहड़ा प्रॉब्लम आउंदी है बच्चों जिहड़ा गाइड करन दे लई, हर एक जिहड़ा स्टूडेंट्स है वो अलग तरीके का है ना, उनकी जिहड़ी सोच शक्ति है अलग तरीके की, उनके काम कार अलग तरीके, सो हर एक स्टूडेंट जिहड़ा वो डिफरेंट है ना एक दूसरे तो, सो इन स्टूडेंट्स की गिनती ज़्यादा है, हुण हर एक विद्यार्थी जिहड़ी अलग अलग तरीके की जिहड़ी गाइडेंस की जिहड़ी है जरूरत है उनदियां जरूरतों के मुताबिक, तो इत्थे भी सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम है वह आ रही है। हो सकता है कि कोई प्रोग्राम स्कूल दे विच करवाया गया कुछ बच्चों के लिए हैल्पफुल रहे बट कुछ बच्चों के लिए हैल्पफुल है वह ना रहे। सो 10 नंबर की जी लैक ऑफ सपोर्ट, एक जी सपोर्ट होंगी है ना पिछे, सो उनकी भी जी कि ना कि जी घाट है वह सू जी देखने मिलती है, सपोर्ट तो बिना कोई भी जोड़ा विद्यार्थी वो जोड़ा है अगे जड़ा है जा जिंदगी दे विच जड़ा अपना विकास है वो नहीं कर पाउंदा, सो सपोर्ट की जे अगर गल करिए गाइड कर दिता है ना बट उन्होंने पिछले जी सपोर्ट की भी जी जरूरत है तो उनकी भी जी घाट है वो देखने सानू मिल रही है। 11 नंबर पर जी लैक ऑफ कोआर्डीनेशन, कोआर्डीनेशन मतलब कि एक संजोग, ठीक है कोआर्डीनेशन करना, ठीक है उनकी भी इतने जी घाट सानू देखने मिलती है, विद्यार्थियों जोड़ा कोऑपरेट है जो कोआर्डीनेशन करके जरा नहीं चलिया जा रहा जो संस्थावान द्वारा ज जो कमेटी बनाई जाती उनके जो मैंबरस होंगे ने उन्होंने द्वारा भी जोड़ा कोऑपरेट है आपस के नहीं किया जा रहा। 12 नंबर पर जी लैक ऑफ रिसर्च, रिसर्च करनी सो उनकी भी जी घाट है क्योंकि जिन्ना टाइम रिसर्च नहीं होगी उन्ना टाइम की कमियां ने की लोड़ां ने विद्यार्थियों दियां तो उन्होंने बारे दे विच जिहड़ी आपां जानकारी वह हासिल नहीं कर सकते, सो इंडियन स्कूलों दे विच लैक ऑफ रिसर्च भी है, जो रिसर्च ही नहीं हैगी पता ही नहीं है कि लोड़ां ने विद्यार्थी दियां की जरूरतां ने तो उन्हां तक जिहड़ी गाइडेंस जां काउंसलिंग है उनका जिहड़ा बेनीफिट है वह नहीं हो पाउंदा। नैक्सट है 13 नंबर ते नॉन कोऑपरेशन ऑफ हैड मास्टर प्रिंसीपल, सो कुछ जिहड़े हैड मास्टर होंगे या प्रिंसीपल होंगे ने वह नॉन कोऑपरेट नहीं मतलब वो करते कोऑपरेट नहीं करने वाले होंगे है ना, वो बस टीचर्स की जी ड्यूटीज़ है वो लगा देंगे ने खुद जिहड़ा कोऑपरेट है वह नहीं करते, सो ये भी जी प्रॉब्लम्स है कितना कितने जिहड़े काम के जिहड़े बोझ आ वह भी ज़्यादा ने जिसके करके जिहड़ा है सारे वल जिहड़ा ध्यान है वह नहीं दिता जा पा रहा। सो ये जी कुछ जिहड़ियां इंडियन स्कूल्स दियां जिहड़ियां आपां जिहड़ियां जेकर आपां प्रॉब्लम्स की गल करिए तां इह वालियां जिहड़ियां सीगियां जी प्रॉब्लम सी जो कि फेस कर रही ने ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्कूल्स के विच, ठीक है जी, तो ये आ गया जी उपर ऑर्गेनाइजेशन की गल, ठीक है जी, ये यूनिट थर्ड है जी, ठीक है जी, यूनिट सैकेंड का बी पार्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस एंड सैकेंडरी एंड सीनियर सैकेंडरी लैवल प्रॉब्लम फेस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम इन इंडियन स्कूल्स,
ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।